ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो थोड़ा सा डिले हो गया ये वाली रीडिंग डालते डालते, बट आई प्रॉमिस कि मैं टाइमली रीडिंग्स लेकर आऊँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम एक लव ओरेकल लव टैरो रीडिंग करेंगे 1 तारीख से 10 तक की, और इसमें मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं, उनकी तरफ से लव ओरेकल मैसेजेस निकालेंगे, एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे फॉर 1 तारीख से 10th of December की। फ्रेंड्स, जितनी रेजोनेट हो उतनी लेना, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देना जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। ओके, ऑल राइट। सो जेमिनाय आपकी करते हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी पहले निकालते हैं। सो लव एनर्जी फॉर जेमिनाय, द एम्प्रेस, 9 of Cups, 5 of Swords, द Temperance। और अगला है आपका कार्ड है Page of Swords। ओके, सो जेमिनाय, देखो ये रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से है, आप बहुत ज़्यादा सिंसियरली, या जो भी ये पर्सन है, मे बी आपका उसके साथ बेबी है, या मैरिड हो या होने वाला है कोई बेबी, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है कि बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि या तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आ गए हैं, चीज़ें कुछ इस टाइप से गड़बड़ होती चली जा रही हैं, या फिर आप कुछ इस टाइप की कंपटीशन एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। देखो आने वाले वीक में, आने वाले सॉरी 10 डेज में आपको जो करना है, आपको सिचुएशन को बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं उनके साथ, क्योंकि देखो वो जो भी ये पर्सन है, ये है तो आपकी लाइफ में 9 of Cups, यही आपको फुलफिलमेंट देगा। आप उसके साथ उलझे नहीं, ठीक है, उसके साथ उलझोगे या ज़्यादा वो करोगे तो फिर वो आपके लिए पेनफुल एक सिचुएशन हो जाएगी। और पेज ऑफ सोर्ड से भी मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा अभी फ़िलहाल एक हार्श जोन में, बट आने वाले टाइम में आपको थोड़ा बैलेंस करना ही पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो आप थोड़ा मैन्यूपुलेशंस में ना खुद फंसें और ना उनको कोशिश करें कि वो आपको मैन्यूपुलेट कर जाए। एक ये चीज़ को आपको ध्यान देना है आने वाले 1 वीक में 10 दिन में, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ, क्या है उनकी एनर्जीज, तो वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या है एनर्जीज। सो जेमिनाय के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। तो देखो द सन का कार्ड आया है, 7 of Wands, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट। देखो वो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ देखते हैं, इसमें पैशन देखते हैं, इसमें चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होकर वो चीज़ों को सोच रहे हैं। एक मास्टर लेवल से उन्होंने एक प्लान्स बना रखे हैं कि भाई अगर आप दोनों के बीच में पीछे कुछ कड़वाहट आई भी है, जैसे आपके में 5 of Swords आया, डेफिनेटली आप थोड़ा सा उनको थोड़ा हार्शली या कंपटीशन वाली एनर्जी में अगर आप आए भी हैं, तो वो शायद थोड़ा सा, वो भी उन्होंने भी King of Swords आया, तो वो भी शायद आपको जवाब तो उन्होंने भी दिया है पूरा, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि भाई देखो झगड़े में ज़्यादा फंसने का फ़ायदा नहीं है, झगड़े से वो निकलना चाहते हैं। और द सन की एनर्जी से अब वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं, एक बेटर लेवल पर आ जाएं। काफ़ी इंट्यूटिवली, काफ़ी मास्टरी लेवल से वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और देखो 3 मेजर अरकाना है ये, द सन, द हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट, तो कुछ मेजर लेसन मिल रहा है आपको इस बात से, कुछ समझाना चाहते हैं ये तीनों कार्ड्स आपको कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचता है, काफ़ी प्लान्स बनाता है, और वो आपके साथ ग्रोथ चाहता है, तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग देखें। ऑलराइट, ये थी उसकी एनर्जीज़। अब मैं फटाफट आपके लिए आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकालती हूँ, क्या है आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। तो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर इज पैशन, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, सो एंजॉय इट। मे बी वो कहना चाहते हैं कि
वो आपके लिए पैशन फील करते हैं और वही पैशन वो आपको भी सराउंड करना चाहते हैं. इंजॉय दैट पैशन. ठीक है, अगला कार्ड है, सो व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट, नथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट. तो कुछ भी, जब भी दिल की बात आती है, कुछ भी ऐसा सही या गलत नहीं होता लाइफ में. सो एवरी चॉइस यू मेक, तो आप जो भी चॉइस अपनी लाइफ में बनाएंगे वही चॉइस आपको एक लाइफ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग देगी ऑफ लव एंड लाइफ. ठीक है, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये उनके मैसेजेस हैं. अब मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो जेमिनी के लिए डिवाइन है पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस. तो मे बी आने वाले टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा अभी शायद आप पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बट वो एक उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, चीज़ें ठीक होंगी, एक अच्छा अलाइंस बॉन्ड होगा, बनेगा चीज़ें. ठीक है, और नेक्स्ट है विजडम. और ये कब आएगा, जब आपके अंदर विजडम आएगी. विजडम मीन्स सद्बुद्धि, चीज़ों को करने की एक सोच, एक क्लैरिटी आएगी जब आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये काम ऐसे करना है. और इस पार्टनरशिप को, इस अलायंस को कितने अच्छे से, कितनी सादगी से और तरीके से निभाना है, वो जब आएगा तभी आपकी लाइफ में ये अलायंस भी आएगा. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स जेमिनी, आई होप आप इस रीडिंग से मैच कर पाए हों. एनर्जी को क्लेम करना फ्रेंड्स, अगर आपको लगा रहा है कि ये आपकी रीडिंग है. मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स.